नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। ग्वालियर एयरबेस पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी साथ आए। सीएम शिवराज ने किया स्वागत। हनुमंतिया में छठवां जल महोत्सव आज से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह करेंगे शुभारंभ। पर्यटन स्थल पर 2 घंटे तक रुकेंगे। मध्य प्रदेश को बड़ी राहत, अगले महीने हो सकता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का भूमि पूजन। सागर, विदिशा सहित 8 जिलों को मिलेगा पानी। बुरहानपुर में कृषि कानून वापसी पर मना जश्न, कांग्रेसियों ने की आतिशबाजी। मोमबत्ती जलाकर दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भोपाल एम्स की रिसर्च में खुलासा, 5 टेस्ट किट की सेंसिटिविटी सही नहीं थी, इसलिए कोरोना जांच रिपोर्ट 27% तक गलत आई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ग्वालियर 2 पायदान फिसला, 10 लाख की आबादी में 13वें से 15वें स्थान पर आया, देश में मिली 42वीं रैंक। कार्तिक पूर्णिमा पर महाआरती, बनारस की तर्ज पर होशंगाबाद में नर्मदा की महाआरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उज्जैन में शिप्रा के तट पर किया दीपदान। कोरोना प्रतिबंधों से मुक्ति, मेहमान सीमा खत्म होने से 130 से 150 करोड़ का शादी सीजन, अब 250 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद। सागर में डेंगू की रिपोर्टिंग में लापरवाही, 7 दिनों में 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती, सरकारी आंकड़े में सिर्फ 20। मध्य प्रदेश में अरब सागर के साइक्लोन का असर, भोपाल में हल्की बूंदाबांदी, अब कोहरा छाने से 48 घंटे में बढ़ सकती है ठंड। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया खबर।